नहीं होगा। देन नेक्स्ट है हमारा, हम जो देखेंगे आज कौन सा हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ब्रेस्ट इन्वॉल्वमेंट। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस किसके हैं? ब्रेस्ट के हैं। हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, तो वो क्या हो रहा था हमारा उसमें क्या देखे थे, यूरिन, यूरिन में प्रॉब्लम हो रहा था, पपेरियल पायरेक्सिया, पपेरियल पायरेक्सिया हो रहा था, देन क्या देखा, पपेरियल सेप्सिस, देन पर्पेरियल सेप्सिस ये भी कंप्लीट हो गया है, देन यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस इन पर्पेरियम, यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस होगा ड्यूरिंग पर्पेरियम सब इन्वोल्यूशन। देन अब हमारा जो नेक्स्ट है हमारा, हम ये अभी कहाँ तक कहाँ देख रहे थे, रिप्रोडक्टिव का देख रहे थे, ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन्स देख रहे थे सारे। बाकी अभी हम क्या देखेंगे, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन। उसको बोलते हैं क्रैक निप्पल, देन रिट्रैक्टेड निप्पल, निप्पल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं, देन लीडिंग टू डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, बेबी जो है वो प्रॉपर फीड नहीं कर पाएगा, उसको क्या है, फीडिंग में प्रॉब्लम होगी, देन मस्टाइटिस एंड ब्रेस्ट एब्सेस, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हम पढ़ेंगे इसके अंदर, एक एक वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देन लैक्टेशन फेलियर क्या होगा, अगर ब्रेस्ट में ही प्रॉब्लम होगा, एंगॉर्जमेंट होगा, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट, उस कंडीशन में क्या होगा, बेबी को फीड करने में भी डिफिकल्टी होगी, देन क्या होगा, परपेरियल पायरेक्सिया भी हो सकता है, ठीक है, तो हम वन बाय वन ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट, तो व्हाट इज ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट, तो फर्स्ट इज कॉज, किसकी वजह से ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट कॉज होगा, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट किसकी वजह से कॉज होगा, तो वो है फर्स्ट एंगॉर्जमेंट इज ड्यू टू एक्सिगेटेड नॉर्मल वीनस एंड लिम्फेटिक एंगॉर्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट विच प्रोसीड लैक्टेशन, क्या होगा, नॉर्मल जो वीनस है, नॉर्मल वीनस एंड लिम्फेटिक एंगॉर्जमेंट है, उसमें क्या, उसकी वजह से क्या होगा, जो लैक्टेशन है वो क्या होगा, जो लैक्टेशन है वो क्या होगा, डिले होगा, ठीक है, डिले होगा, या फिर क्या होगा कि हो सकता है कि बेबी क्या करे, फीड ही ना करे, क्योंकि ब्रेस्ट जो है वो एंगॉर्ज हो जाएगी, उस कंडीशन में बेबी जो है वो फीड नहीं कर पाएगा, देन क्योंकि मदर को भी पेन फील होगा ना, पेन सेंसेशन होगा, देन दिस इन टर्न प्रिवेंट्स एस्केप, एस्केप मींस रन ऑलवेज ऑफ मिल्क फ्रॉम द लैक्टियल सिस्टम, लैक्टियल सिस्टम मींस इज लिम्फेटिक कैपिलरी दैट एब्जॉर्ब डाइट्री लास्ट इन विलय टेस्ट इन विलय, क्या होता है कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो क्या हो जाती हैं, विलय में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, देन द प्रीमीपेरास पेशेंट एंड द पेशेंट विद इन इलास्टिक ब्रेस्ट आर लाइकली टू बी इन्वॉल्व, क्या है, जो प्रीमीपेरास है, प्रीमीपेरास पेशेंट है, उसमें ये चीजें क्या होती हैं कि मोस्टली देखने को मिलती है, मोस्टली जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन होते हैं, प्रीमीपेरास पेशेंट, जो लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी, प्रीमीपेरास जिसका बेबी डिलीवर्ड हुआ, उसमें क्या ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट देखने के मिलने के चांसेस होते हैं, देन एंगॉर्जमेंट इज एन इंडिकेशन दैट द बेबी इज नॉट इन स्टेप विथ द स्टेज ऑफ लैक्टेशन, जैसे जैसे लैक्टेशन का प्रोसेस होना चाहिए, जैसे ही बेबी को फीड करना स्टार्ट करना है, उस कंडीशन के अगर क्या होगा कि जो लैक्टेशन अब फेलियर होगा, क्योंकि क्या है, ब्रेस्ट में एंगॉर्जमेंट है, उस कंडीशन में क्या होगा, बेबी जो है वो डिले फीड करेगा, क्योंकि मदर को भी पेन होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में बेबी को वो प्रॉपरली फीड नहीं करा पाएंगी, ठीक, देन हमारा क्या है ऑनसेट, नेक्स्ट है
ऑनसेट क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? इट इज यूजली मैनिफेस्ट आफ्टर द मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट थर्ड और फोर्थ डे पोस्टपार्टम. क्या होगा? जैसे मिल्क पहले क्या होता है, 1-3 डे तक क्या होता है, कोलोस्ट्रम जो है सिक्रीट होता है कोलोस्ट्रम, ठीक है. जैसे ही मिल्क सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे क्या होता है, मोस्टली ये इवेपरेस एंगॉल्वमेंट देखने को मिलेगा. देन सिम्टम्स इंक्लूड, सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा. फर्स्ट इज कंसिडरेबल पेन एंड फीलिंग ऑफ टेंसनेस और हैवीनेस इन बोथ द ब्रेस्ट. क्या होगा, मदर को कैसा फील होगा, उसको हैवीनेस फील होगा और क्या होगा, हार्डनेस फील होगा. देन क्या होगा, पेन फील होगा मदर को, क्या है क्योंकि ब्रेस्ट इन्वॉल्वमेंट होगा और फुलनेस होगा. क्या होगा, ब्रेस्ट से मिल्क क्या होगा, सिक्रीट नहीं हो पाएगा. बेबी जो फीड नहीं करेगा तो वो क्या होगा, ब्रेस्ट पे ही जो मिल्क है वो क्या होगा, स्टोर होगा. उस कंडीशन में क्या होगा, मदर को क्या होगा, पेन फील होगा. देन जनरलाइज मेलेस और इवन ट्रांसियंट राइज ऑफ टेम्परेचर. क्या होगा, जनरलाइज मेलेस होगा उसको, मतलब कि अगर वो मदर है वो फीड नहीं कराएंगे उस कंडीशन में क्या होगा, उसको मेलेस फील होगा. देन ट्रांसियंट राइज ऑफ टेम्परेचर, उसको फीवर भी क्या होगा, फीवर भी आएगा. क्या होगा, शॉर्ट टाइम के लिए उसको फीवर भी होगा मदर को. देन पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग, अगर वो बेबी को फीड कराएगी उस कंडीशन में क्या होगा, उसको पेन होगा, पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग होगी. देन प्रिवेंशन क्या करेंगे इसके लिए, प्रिवेंशन में है टू अवॉइड प्री लैक्टियल फीड. क्या है प्री लैक्टियल फीड, मींस क्या है, एनी फूड एक्सेप्ट टू मदर मिल्क, एनी फूड एक्सेप्ट मदर मिल्क, मदर मिल्क के अलावा कोई भी फूड बेबी को नहीं देना है, ठीक है. टू अवॉइड प्री लैक्टियल फीड्स, क्या है प्री लैक्टियल फीड्स, मीन्स कि आर्टिफिशियल फीडिंग वगैरह, ठीक है. देन ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है. देन टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली एंड अनरिस्ट्रिक्टेड. क्या होता है, कुछ कंडीशंस के कारण क्या होता है, बेबी को क्या है कि डिले करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, उस कंडीशन में क्या होगा, ब्रेस्ट जो है वो एंगॉर्जमेंट होगा. तो क्या करना है, जितना जल्दी हो सके इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है विद इन हाफ एन आवर टू वन आवर में क्या करना है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना है. देन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, जितना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को होना चाहिए, उसमें कोई एडिटिंग नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर मदर मिल्क ही उसको क्या करना है, फीड कराना है. देन फीडिंग इन करेक्ट पोजिशन, जब भी मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड कराएगी उस कंडीशन में मदर को क्या करना है, प्रॉपर जो पोजिशन होती है ब्रेस्ट फीडिंग की, मैंने बताया है प्रीवियस क्लास में कि लैटरल पोजिशन में या तो फिर सिटिंग पोजिशन में बेबी को होल्ड करके फिर क्या करना है, फीड कराना है. देन करेक्ट लच ऑन, क्या है लच, मीन्स मैंने पहले भी प्रीवियस क्लास में बताया है, लच मीन्स क्या होता है, जो मदर का एरियोला है और निप्पल है, एरियोला से बेबी का लिप्स जो है वो टच होना चाहिए और निप्पल्स जो है वो बेबी के माउथ में इंसर्ट होना चाहिए. देन ट्रीटमेंट में क्या 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 ट्रीटमेंट देंगे, तो फर्स्टली क्या देंगे, सपोर्टिव द ब्रेस्ट विद अ बिंडर और ब्रेसर. क्या करना है उसको, अगर ब्रेस्ट इन्वॉल्वमेंट है तो उसको क्या करना है, बिंडर या फिर ब्रेसर्स का यूज करना है. क्या होता है, ये टाइट फिटिंग होती है इसलिए उसको क्या करना है, ब्रेसर्स को वेयर करने बोलना है. देन फ्रिक्वेंट सकलिंग, क्या करना है, फ्रिक्वेंटली बेबी को क्या कराना है, सक कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना है. देन मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ एनी रिमेनिंग मिल्क आफ्टर ईच फीड. क्या है, अगर बेबी जो है वो प्रॉपर फीड नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, मैनुअली एक्सप्रेस करना है मिल्क को. देन मैनुअल मीन्स वही जो सिरिंजिंग प्रोसेस होती है उसके लिए, या तो फिर ऐसे ही क्या करना है, उसको एक्सप्रेस करना है. देन टू एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक फॉर पेन, अगर लेडी को क्या है बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, एनाल्जेसिक पेन रिलीफ प्रोवाइड करने हैं. देन
द बेबी शुड बी पुट टू द ब्रेस्ट रेगुलरली एट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स. क्या करना है, बेबी को हर इंटरवल के बाद में कितना 8 to 12 टाइम्स बेबी को फीड कराना होता है, तो हमें उतने टाइम भी 8 to 12 टाइम्स ही बेबी को क्या करना है, ब्रेस्ट फीड कराना है, उससे कम नहीं कराना है. देन इन अ सीवियर केस जेंटल यूज ऑफ अ ब्रेस्ट पंप मे बी हेल्पफुल. क्या है, अगर सीवियर कंडीशन है तो उस कंडीशन में अगर बेबी फीड नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, पंपिंग करना है, पंपिंग करके ब्रेस्ट को एस्पिरेट करना है. देन दिस विल रिड्यूस द टेंशन इन द ब्रेस्ट विदाउट कॉजिंग एक्सेस मिल्क प्रोडक्शन. क्या होगा, ये क्या करेगा, जो भी टेंशन है, जो भी ब्रेस्ट है, मिल्क है, उसको क्या करते हैं, एक्सेस जो होता है, एक्सेस प्रोडक्शन होता है, तो उसको क्या करते हैं, ये रिड्यूस करता है. देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रैक्ड एंड रिट्रैक्टेड निप्पल. क्रैक्ड एंड रिट्रैक्टेड निप्पल, उसमें क्या है, क्रैक्ड एंड रिट्रैक्टेड निप्पल, द निप्पल्स मे बिकम पेनफुल. क्या होते हैं निप्पल, जो होता है वो पेनफुल होगा और किसकी वजह से होगा, लॉस ऑफ सरफेस एपिथीलियम विद द फॉर्मेशन ऑफ अ रॉ एरिया ऑन द निप्पल. क्या है, जो एपिथीलियम मसल्स होती है एपिथीलियल, तो वो क्या होता है कि वो उसका जो सरफेस होता है वो लॉस हो जाता है, वो प्रॉपरली वहाँ पर जो मसल्स है वो नहीं होती, एब्सेंस होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, निप्पल जो होते हैं वो क्रैक्ड हो जाते हैं. देन ड्यू टू अ फिशर, फिशर मीन्स अ स्मॉल टीयर. क्या होता है, स्मॉल टीयर सिचुएटेड आइदर द टिप और द बेस ऑफ द निप्पल. क्या है, निप्पल्स, निप्पल्स में क्या होता है, स्मॉल टीयर्स वगैरह आ जाते हैं, एस्केप्स वगैरह, फिशर्स वगैरह प्रेजेंट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रैक्ड निप्पल. उसकी वजह से क्या होता है, निप्पल्स जो होते हैं वो क्रैक्ड हो जाते हैं. देन दीज टू कंडीशंस फ्रिक्वेंटली कॉन्जिस्ट एंड आर रिफर्ड टू एज क्रैक निप्पल. क्या होगा, टू कंडीशंस होती हैं, क्या होता है, फ्रिक्वेंटली को एक्सिस्ट देन आर रिफर टू क्रैक्ड निप्पल्स. देन इट इज कॉज्ड बाय, बता रही हूँ कि इसमें दो टाइप का कौन कौन सा है, तो वो है अनक्लीन हाइजीन. क्या है, टू कंडीशंस जो हो रही हैं वो किसकी वजह से, निप्पल्स जो है वो क्रैक्ड हो रहे हैं, तो क्या है, अगर निप्पल्स जो है उनका प्रॉपरली जैसे ही फीड कराना हो उसके पहले क्या करना है, निप्पल्स को क्लीन करना है, देन आफ्टर फीडिंग भी निप्पल्स को क्या करना है, क्लीन करना है, तो क्या होगा, अनक्लीन हाइजीनिक रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ क्रस्ट ओवर द निप्पल. क्या है कि अगर प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, जो क्रस्ट है वो क्या हो जाएगा, उसमें उसके ऊपर क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, निप्पल्स जो होंगे वो क्रैक्ड हो जाएंगे. देन रिट्रैक्टेड निप्पल, रिट्रैक्टेड निप्पल भी में क्या होता है कि ट्रॉमा, रिट्रैक्टेड निप्पल्स भी क्या हो जाएंगे, रिट्रैक्ट हो जाएंगे. देन ट्रॉमा फ्रॉम बेबी माउथ ड्यू टू इनकरेक्ट अटैचमेंट टू द ब्रेस्ट. क्या है, बेबी का जो करेक्ट वे है फीडिंग करने का, अगर वो इनकरेक्ट है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ट्रॉमा वगैरह, उसके बेबी के माउथ में ट्रॉमा होने के चांसेस है. देन इन्फेक्शन विद कैंडिडिया कैंडिडा एल्विकेंस. क्या होगा, इन्फेक्शन भी होने के चांसेस है कि अगर इन्फेक्शन बेबी के माउथ या फिर मदर को किसी टाइप का वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कैंडिडा एल्विकेंस है वो एंटर कर जाएंगे और वहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा. इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, निपल्स जो है वो क्रैक्ड हो जाएंगे. देन एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज ऑफन प्रेजेंट. कैंडिडा एल्बिकेंस और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये प्रेजेंट होंगे. देन द कंडीशंस मे रिमेन असिम्प्टोमेटिक बट बिकम पेनफुल व्हेन द इन्फेंट सक्स. देन व्हेन इन्फेक्टेड एंड इन्फेक्शंस
द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू द डीपर टिश्यू प्रोड्यूसिंग मास्टाइटिस। क्या है इन्फेक्शन जो है वो अगर क्या है एंटर कर जाएगा, एंटर करने के बाद डीपर टिश्यूज में हो जाएगा, इन्फेक्शन एंटर कर जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा मदर के ब्रेस्ट में क्या होगा मास्टाइटिस हो जाएगा। मास्टाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट। देन प्रोफाइलेक्सिस इंक्लूड, क्या है उस कंडीशन में क्या है हम प्रोफाइलेक्सिस मदर को प्रोवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे लोकल क्लीनलीनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या करना है लेडी की प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या करना है उनके ब्रेस्ट की लोकली मतलब कि ओनली ब्रेस्ट में क्या करना है उनको प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करना है, मींस उसको क्लीन करके रखना है। देन परपेरियम बिफोर एंड आफ्टर ईच फीडिंग्स टू प्रिवेंट क्रस्ट फॉर्मेशन ओवर द निप्पल। वही चीज मैंने अभी बताया कि बेबी को फीड कराने से पहले भी और आफ्टर भी क्या करना है उसको मदर को प्रॉपरली निपल्स की हाइजीन मेंटेन करना। हाइजीन मेंटेन इन द सेंस फर्स्ट बेबी को क्या ब्रेस्ट को क्या करना है क्लीन करना है, देन फीडिंग के बाद भी क्या करना है ब्रेस्ट को क्लीन करना है। देन ट्रीटमेंट, हम ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, तो ट्रीटमेंट करेक्ट अटैचमेंट लच ऑन विल प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम पेन एंड रैपिड हीलिंग। क्या करना है मदर जब भी बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो क्या होगा जो लच है वो लच ऑन होना चाहिए, लच ऑन इन द सेंस कि मदर का जो एरियोला है उससे बेबी का जो माउथ है वो टच होना चाहिए, लिप्स जो है वो टच होने चाहिए और जो निपल्स है वो बेबी के माउथ में इंसर्ट होना चाहिए। उससे क्या होगा कि मदर को क्या होगा रिलीफ भी इमीडिएट प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम पेन एंड रैपिड हीलिंग। उससे क्या होगा कि बेबी अगर प्रॉपरली फीड करेगा तो उससे क्या वो हीलिंग भी से रिलीफ होगा, रेस्ट मिलेगा उसको, क्या हीलिंग जो है वो रिकवर हो जाएगी। देन फ्रेश ह्यूमन मिल्क एंड सलाइवा हैव गॉट हीलिंग प्रॉपर्टीज। क्या है जो फ्रेश ह्यूमन मिल्क है और वो सलाइवा है वो क्या होगा कि जो क्रैक्ड निप्पल हुआ है उसको हील करने में हेल्प करेंगे। देन प्यूरिफाइड मदर शुड यूज अ ब्रेस्ट पंप एंड इन्फेंट इज फेड विद अ एक्सप्रेस मिल्क। देन इन्फेंट निपल्स एंड माउथ इज देयर इज ओरल थ्रस्ट इफ इट टेल फेस टू हील अ ब्रेस्ट इज गिवेन। अगर क्या होगा कि अगर अफेक्टेड निपल्स हैं इतना करने में भी बेबी को फीड कराने में प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करने में भी नहीं हो रहा तो फिर क्या करना है कुछ टाइम के लिए उसको रेस्ट करना है और पंपिंग करना है ब्रेस्ट का। देन क्या है द परसिस्टेंस ऑफ द निप्पल अल्सर्स इन स्पिट ऑफ थेरेपी। अगर क्या है अल्सर्स फॉर्मेशन हो गया है निप्पल्स में तो उस कंडीशन में क्या करना है उसको थेरेपीज प्रोवाइड करना है, मेंशन नीड बायोप्सी टू एग्जुगेट मैलिग्नेंसी। और क्या करना है बायोप्सी करना है क्या करने के लिए एग्जुगेट मैलिग्नेंसी की उसी को क्या है मैलिग्नेंसी वगैरह तो नहीं है, कैंसर फॉर्मेशन तो नहीं है, वो चेक करने के लिए क्या करेंगे बायोप्सी कराएंगे। देन रिट्रैक्टेड एंड फ्लैट निप्पल, रिट्रैक्टेड एंड फ्लैट निप्पल में क्या है हमने इसमें क्या देखा क्रैक निप्पल्स में, क्रैक निप्पल में प्रोफाइल ट्रीटमेंट वगैरह हमने देखा। ठीक है ट्रीटमेंट में हमने क्या दिया प्रोफाइल एक्सिस, प्रोफाइल एक्सिस हमने देख लिया। देन क्या है रिट्रैक्टेड एंड फ्लैट निप्पल्स, रिट्रैक्टेड एंड फ्लैट निप्पल्स के लिए क्या करना है इट इज कॉमनली मेट इन प्रीमी ग्रेविडा इट इज यूजली एक्वायर्ड, बेबीज आर एबल टू अटैच टू द ब्रेस्ट। क्या करना है बेबी को क्या करना है मदर के ब्रेस्ट से अटैच करना है, देन करेक्टली आर एबल टू सक एडिक्वेटली। क्या करना है देन बेबी को क्या करना है सक कराना है ब्रेस्ट को, फीडिंग उसको प्रॉपरली कराना है। देन इन डिफिकल्टी केस दैट, तो इस कंडीशन में अगर क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने में डिफिकल्टी हो रही है उस कंडीशन में क्या करना है मैनुअली एक्सप्रेस करना है ऑफ मिल्क कैन इनिशिएट लैक्टेशन। ठीक है देन क्या करना है एक्सप्रेस करना है ब्रेस्ट को ताकि बेबी जो है वो फीड कर सके। देन ग्रेजुअली ब्रेस्ट टिश्यूज बिकम सॉफ्ट एंड मोर प्रो ट्रैक्टाइल सो दैट फीडिंग इज पॉसिबल। देन मदर जो है वो क्या करेगी ब्रेस्ट को एक्सप्रेस करेंगी, बेबी जो है वो फीड कर लेगा और इससे क्या होगा जो भी प्रोट्रैक्टाइल और सॉफ्ट दैट फीडिंग इज पॉसिबल। क्या है जो एरिया है वो टिश्यूज है ब्रेस्ट का वो क्या हो जाएंगे सॉफ्ट हो जाएंगे और बेबी को क्या होगा पॉसिबिलिटी होगी ब्रेस्ट फीडिंग करने में। सो टॉपिक इज कम्प्लीटेड, हमने दो टॉपिक आज कवर किया।
तो हमने क्या, हम किसके अंदर सारी चीजें देख रहे थे, ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस। ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस में हमने क्या देखा, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट, देन क्या देखा, क्रैक्ड एंड रिट्रैक्टेड निप्पल्स। ठीक है, तो टॉपिक इज कम्प्लीटेड। नेक्स्ट हमारा क्लास जो रहेगा वो क्या है, नेक्स्ट हम क्लास में देखेंगे एक्यूट मस्टाइटिस। थैंक यू क्लास।